शिक्षकों और विद्यार्थियों को लेकर इस समय की सबसे बड़ी खबर, जहां बिहार के शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है कि अगस्त में सभी खुल जाएंगे स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान। बच्चे जा पाएंगे अपना विद्यालय, फिर से एक बार विद्यालयों में लौटेगी रौनकता, बच्चे की सुनाई देगी चचहट, यानी कि रौनकता बिहार के विद्यालयों के फिर से बढ़ने जा रही है। अब यह 9वीं से 10वीं कक्षा 7 अगस्त से खुल जाएगी और 1ली से 8वीं तक की कक्षा 15 अगस्त के बाद यानी 16 अगस्त से खुल जाएगी, जहां 50% उपस्थिति के साथ बच्चे उपस्थित होंगे। और इसके साथ ही कोचिंग संस्थान भी खोलने का ऐलान किया गया है, इसमें में 50% उपस्थिति के साथ कोचिंग संस्थान खोले जाएंगे। तमाम चीजों को हम बताएंगे, फिलहाल हमारे साथ बने रहे। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं अपना चैनल मगध संवाद और मैं आपके साथ हूँ सुनील बॉबी। बिहार में अब सभी विद्यालय खुल जाएंगे। बीते दिन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में खास बैठक पदाधिकारियों के साथ किया गया और समीक्षा की गई कि अनलॉक 4 में कैसी व्यवस्था रही, क्या अच्छा रहा क्या बुरा रहा, तमाम चीजों पर जानकारी लेने के बाद में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर लोगों को जानकारी दी। सबसे पहले हम ट्वीट बता देते हैं कि मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर क्या लोगों की जानकारी दी है। कोरोना, मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोरोना संक्रमण में कमी को देखते हुए 7 से 25 अगस्त तक सभी दुकानों को साप्ताहिक बंदी के साथ खोलने का निर्णय लिया गया। 9वीं से 10वीं कक्षा 7 अगस्त से और 1ली से 8वीं कक्षा 16 अगस्त से खुलेगी। कोचिंग संस्थान छात्रों के 50% उपस्थिति एक दिन छोड़कर के साथ कार्य कर सकेगी। सार्वजनिक वाहनों को पूर्ण क्षमता के साथ चलने की अनुमति होगी। यह था बिहार के मुख्यमंत्री का ट्वीट। मैं आपको सीधे तौर पर बता दूं कि अनलॉक 5 की शुरुआत 7 अगस्त से 25 अगस्त तक होगी। इसमें बहुत कुछ अलग बदलाव होने जा रहा है। जैसे 9वीं से 10वीं कक्षा जो है, हाई स्कूल जो है, वह 7 अगस्त से खुल जाएंगे 50% उपस्थिति के साथ। अब 1ली से 8वीं कक्षा 15 अगस्त के बाद झंडोत्तोलन के बाद यानी 16 अगस्त से 1ली से 8वीं तक के सभी स्कूल खुल जाएंगे, बच्चे 50% उपस्थिति के साथ वहां उपस्थित होंगे और इसके साथ ही कोचिंग संस्थान भी 50% और एक दिन बीच कर खोलने का आदेश बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया है। यानी बहुत लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर बच्चे अपने स्कूल में जाएंगे, शिक्षकों से रूबरू होंगे, शिक्षक भी बच्चे से रूबरू होंगे और फिर रौनकता। लेकिन भगवान फिर ऐसा ना करे कि फिर से कोरोना की स्थिति बढ़े और फिर से बंद हो जाए। लेकिन फिलहाल बिहार में स्थिति बिल्कुल सामान्य है, लेकिन जैसे ही अगर असमानता पैदा होती है तो फिर से विद्यालय बंद होंगे। लेकिन इसको लेकर कोई अभी फिलहाल कोई नोटिस जारी नहीं है, लेकिन स्कूल खोलने को लेकर बड़ी नोटिस जारी की गई है कि 7 अगस्त से 25 अगस्त तक अनलॉक 5 रहेगा। इसमें बहुत कुछ बदलाव होंगे, जिसमें सबसे पहला बदलाव शिक्षा जगत में होगा। शिक्षा जगत के तमाम चीजों को खोल दिए जाएंगे, 1ली से 10वीं तक के विद्यालय खुल जाएंगे। जो कोचिंग संस्थान वाले कोचिंग संस्थान खोलने की मांग कर रहे हैं तो उन्हें भी खोल दिए जाएंगे। प्रोटोकॉल का पालन कराया जाएगा, तमाम प्रोटोकॉल, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कोचिंग और स्कूल खोले जाएंगे, लेकिन एक दिन बीच कर 50% उपस्थिति के साथ ही विद्यालय कोचिंग संस्थान खुल पाएंगे। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि 1ली से 8वीं तक का विद्यालय 16 अगस्त से खुल जाएंगे 50% के उपस्थिति के साथ। 1ली से 8वीं तक के सभी विद्यालय, सरकारी और निजी तमाम विद्यालय खुल जाएंगे, लेकिन 9वीं और 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्कूल, कोचिंग संस्थान वह 7 अगस्त से ही खुलेंगे। यानी कि 2 दिन बाद अब स्कूल 9वीं और 10वीं के लिए खुल जाएंगे, विद्यार्थी अपने स्कूलों में जाएंगे, शिक्षक विद्यार्थियों से रूबरू होंगे और विद्यार्थी शिक्षक से रूबरू होंगे, एक अच्छा माहौल बनेगा, विद्यालयों की रौनकता वापस लौटेगी। लेकिन सरकार ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है कि कोरोना प्रोटोकॉल के से कोई समझौता नहीं होगा, जो भी अगर विद्यालय इसका पालन नहीं करते हैं उन पर कार्रवाई होगी।
निजी विद्यालय सरकारी विद्यालय के तमाम संचालक इस पर ध्यान देंगे कि कोरोना प्रोटोकॉल के तमाम चीजों का अनुपालन करना है, 50% उपस्थिति का ध्यान रखना है फिलहाल, और सैनिटाइजर मास्क आदि का प्रयोग जरूर करना है, बसों को सैनिटाइज करवाना है, स्कूल खुलने से पहले विद्यालय को सैनिटाइज करना है, विद्यालय में बच्चों को जाने के बाद सैनिटाइज कराना है, तमाम चीजों को ध्यान रखना है। और फिर अनलॉक 6 में पूर्ण रूप से इसको खोल दिया जाएगा। फिलहाल बिहार में कोरोना की स्थिति सामान्य बनी हुई है और ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि सितंबर में बढ़ने की जो चांस थी वह अगर लोगों के द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाता रहा तो इसकी असर भी कम होगी। मगर संवाद भी आपसे यह आग्रह करता है कि जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकले और निकले तो मास्क का प्रयोग जरूर करें, सैनिटाइजर का प्रयोग जरूर करें, 2 गज की दूरी बनाकर रखें, सरकार के इस कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करें। लेकिन एक बार फिर हम आपको बता देते हैं कि बिहार के सभी स्कूल कॉलेज अगस्त महीने में खुल जाएंगे, 9वीं और 10वीं 7 अगस्त से और 1 से 8 तक की कक्षा और कोचिंग संस्थान 16 अगस्त से खुल जाएंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, फिलहाल दीजिए इजाजत, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।